अल्ट्रा भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबाना न भूलें। ओमकार, एक कलाकार अपनी कलाकृति को देखकर जो संतोष पाता है, संतोष का वो सुख मैं ही हूं, अर्थात प्राणी में परोक्ष रूप से बैठा कलाकार हूं मैं। ओंकार पर देवराज व देवगण आकाश से माता कौशिकी का चमत्कार देखते हैं तथा देवी कौशिकी के शिखर महल को भी देखते हैं। उधर मार खाकर मोहासुर असुर राज शुंभ निशुंभ को सारी घटना सुनाकर कौशिकी के रूप लावण्य का वर्णन कर उनके मन को विचलित कर देता है। शुंभ निशुंभ की रक्षा के लिए चिंतित दैत्य गुरु शुक्राचार्य यज्ञ कुंड से तीन असुरों चंड मुंड व सुग्रीव को उत्पन्न करते हैं और उन्हें शुंभ निशुंभ की रक्षा का भार सौंपते हैं। आकाश में इंद्र नारद से कौशिकी के महल में जाने का उपाय पूछते हैं। भैया चंड, हाँ ये देखो शिखर पर महल। हाँ, जैसा मोहासुर ने वर्णन किया था वैसा ही है ये कौशिकी का महल। किंतु भैया चंड, क्या संगीत की मधुर और सुरीली धुन सुनाई दे रही है? भैया, जिसका स्वर इतना मधुर और सुरीला हो वो स्वयं कितनी सुंदर होगी। अवश्य अति सुंदर होगी। चलो महल के अंदर चलते हैं। सारे द्वार बंद हैं, अंदर जाने का कोई मार्ग दिखता ही नहीं, अब हम क्या करें? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ क्या? मैं एक पग मार के द्वार को तोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, सुंदरी के द्वार का स्वागत पग से नहीं, हम ही करेंगे। सुंदर है तो कौशिकी कितनी सुंदर होगी। यदि ऐसा ही महल हमारे पास होता, बहुत विचित्र है। तुम दोनों का नाम चंड मुंड है ना? हाँ हाँ। किंतु तुम दोनों युद्ध प्रेमी नहीं, सौंदर्य प्रेमी दिखाई देते हो। हमारे इस कौशिकी महल की शोभा और भव्यता देखकर तुम दोनों प्रसन्न दिखाई देते हो। आप तो अद्भुत हैं। आपके सौंदर्य के सम्मुख सब कुछ व्यर्थ है। हे पाताल लोकवासी चंड मुंड, क्या तुम यहाँ केवल हमारा सौंदर्य निहारने आए हो? मैं तो जानती हूँ कि तुम दोनों इस समय असुर के अधिपति शुंभ निशुंभ के दूत बनकर आए हो, किंतु यहाँ आकर अब तुम दोनों ये चाहते हो कि हमारे इस महल में सदा सदा के लिए बस जाओ और हमें अपनी दृष्टि से कभी ओझल ना होने दो। हाँ, हम यही चाहते हैं। पर ये कैसे संभव होगा चंड मुनि? क्यों, इसमें असंभव क्या है? क्योंकि तुम असुर हो और असुर
देवी के महल में कैसे रह सकते हैं? फिर भी एक उपाय है। क्या उपाय है वो? शीघ्र कहे। यदि तुम दोनों सदा ही मुझे अपनी आँखों के सम्मुख रखना चाहते हो तो अपने स्वामी शुंभ निशुंभ से कहो कि वो मुझे स्वर्गलोक बुला ले। हम आपसे यही कहने आए थे, आप स्वर्गलोक चले, हमारे स्वामी की यही इच्छा है। उचित आदर सम्मान पाए बिना मैं कहीं नहीं जाती। इसके अतिरिक्त स्वर्गलोक जाने से पूर्व तुम्हारे स्वामी को हमारी कुछ मांगे पूर्ण करनी होंगी। कैसी मांगे? तुम युद्ध प्रिय योद्धा हो, मेरी मांगे सुनकर संभव है कि तुम क्रोध से भड़क उठो, इसलिए शुंभ निशुंभ से कहो कि किसी विचारवान, बुद्धिमान और नीतिवान असुर को मेरे पास भेजे ताकि मैं उसे अपनी मांगे विस्तार में समझा सकूं। अब तुम जा सकते हो। मेरी इच्छा के बिना यहाँ कोई एक पल भी नहीं रह सकता। ताल वीरो, तुम तो इस सृष्टि और जगत में सबसे भाग्यशाली हो। अरे आपको तो देवी कौशिकी के महल के अंदर प्रवेश मिला है। मुझे देखो, मैं तो देवी कौशिकी के महल के बाहर खड़े रहकर ही उनकी धुन पर झूमता रहता हूँ। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो तुम? अरे उतावले क्यों हो रहे हो? इस बात का ज्ञान तो आपको अवश्य हो ही जाएगा। और हाँ, अपने स्वामी से मेरा ये संदेश अवश्य देना चुमनीशुम से कि माता कौशिकी को प्राप्त करने का स्वप्न ना देखे, अन्यथा 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 क्या अन्यथा उनका जीवित रहना असंभव हो जाएगा। यही नारद का संदेश है, दे देना। इस विचित्र प्राणी के संदेश पर ध्यान न दें। हमें कौशिकी का संदेश स्वामी शुम निशुम तक पहुंचाना है। हाँ आओ चले। स्वर्गाधिपति दैत्य शिरोमणि शुम्भ निशुम्भ की जय हो शुम्भ निशुम्भ की। प्रणाम। अरे धूम्रलोचन, तुम कहाँ थे अब तक? अपनी कंदरा में। क्यों? आपके आदेश की प्रतीक्षा में मैं वही विश्राम कर रहा था असुरराज। जब बहुत समय तक आपका कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ तो मेरा धैर्य समाप्त हो गया और मैं यहाँ चला आया। धूम्रलोचन, सबसे पहले अपने लोचनों से ये धुआं निकालना बंद करो। अपनी शक्ति का प्रयोग तुम युद्ध भूमि में किया करो। ऐसा ही होगा दैत्यराज निशुम्भ। धूम्रलोचन, आसन ग्रहण कीजिए। आश्चर्य असुरराज, आश्चर्य। कैसा आश्चर्य? असुरराज, ये सभा में शमशान जैसी शांति क्यों छाई हुई है? धूम्रलोचन, हम चंड मुंड की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चंड मुंड? ये चंड मुंड कौन है? मैं पहली बार इनका नाम सुन रहा हूं। स्वर्गाधिपति दैत्यराज शुंभ निशुंभ की जय। कहो क्या संदेश लेके आए हो चंड मुंड? क्या तुम्हारी उस सुंदरी से भेंट हुई? हाँ भेंट हुई। जो कुछ भी उसके सौंदर्य के बारे में बताया गया था बहुत कम था। उसके सौंदर्य का वर्णन करना हमारी शक्ति से परे है दैत्यराज। ठीक है ठीक है, ये बताओ क्या कहा उस सुंदरी ने? उसने हमें योद्धा कहा। तुम्हें क्या कहा ये नहीं पूछा हमने, ये बताओ कि उसने हमें क्या कहा? वह स्वर्ग आने के लिए तैयार है दैत्यराज, परंतु किसी बुद्धिमान व्यक्ति से अपनी मांगे मनवाने के पश्चात उसने हमें बुद्धिमान नहीं समझा, इसलिए आपको से यहाँ लाने का कोई उपाय करना होगा। तुम्हारी बातें सुनकर
हमारा धैर्य समाप्त हो रहा है चंडमुंड। अब तो हमें तुरंत उसके पास पहुंचना ही होगा, अन्य कोई उपाय नहीं है। नहीं दैत्यराज नहीं, तनिक धैर्य से काम ले। ऐसे कामों में शीघ्रता फलदायी नहीं होती। उस सुंदरी को यहाँ आने के लिए मैं मनाऊंगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मुझे आपको परामर्श देने के लिए ही नियुक्त किया है। बुद्धिमान सुग्रीव ठीक कह रहे हैं दैत्यराज। उस सुंदरी को यहाँ लाने के लिए आपको वहाँ नहीं जाने चाहिए दैत्यराज। निश्चय ही सुग्रीव चतुराई से काम लेंगे। हाँ दैत्यराज, सुग्रीव की बात मान लेनी चाहिए, कारण कि स्त्री के विषय में चीना झपटी और अधीरता से नहीं बुद्धिमानी और धैर्य से काम लेना पड़ता है। अच्छा अच्छा धूम्रलोचन, तो तुम स्त्री विशेषज्ञ भी हो। मैं तो इसलिए कह रहा था दैत्यराज कि आप जैसे परम योद्धा का स्त्री के पास जाना शोभा नहीं देता। तो ठीक है, सुग्रीव को ही वहां भेज देते हैं। किंतु सावधान सुग्रीव, चंडमुंड की भांति असफल होकर ना लौटना। जो आज्ञा दैत्यराज। बुद्धिमान सुग्रीव, शुंभ निशुंभ की कामना पूर्ति हेतु माता कौशिकी के महाले की ओर चल पड़ा। दूसरी ओर नारद देवगण की रक्षा हेतु किसी उपाय व निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे। अंत में नारद ने यही निश्चय किया कि वे समस्या के समाधान हेतु ब्रह्मलोक चलकर परमपिता ब्रह्मा से परामर्श करें। परमपिता ब्रह्मा जी की जय हो। परमपिता, बहुत समय से आपके दर्शन करने के लिए नहीं आ सका, इसलिए क्षमा याचना करता हूँ। नारद, ब्रह्मलोक में तुम्हारे परमपिता ब्रह्मदेव के अतिरिक्त तुम्हें किसी अन्य उपस्थिति का ज्ञान नहीं है? तुमने यहाँ आकर मेरी ओर देखा तक नहीं? माता, मुझे क्षमा करना। देवी कौशिकी की धुन में मैं ऐसा खोया हुआ था कि आपके वीणा की झंकार मुझ तक पहुंची ही नहीं। नारद सत्य ही कह रहे हैं देवी। कौशिकी का अलौकिक संगीत जो एक बार भी सुन लेता है उसे प्रयत्न करने पर भी भुलाया नहीं जा सकता। कौन है ये कौशिकी? मैं तो इसका नाम पहली बार सुन रही हूँ। देवी पार्वती से उत्पन्न कौशिकी के बारे में हम तुम्हें बता चुके हैं। आश्चर्य है तुम्हें इसका स्मरण तक नहीं रहा। क्षमा करें ब्रह्मदेव, मैं ये कहने के लिए विवश हूँ कि कौशिकी की चर्चा आज से पहले आपने कभी की ही नहीं। यदि ऐसा है तो हमें खेद है, किंतु तुम इतना उत्तेजित क्यों हो रही हो? शांत हो जाओ देवी, शांत हो जाओ। ऐसी छोटी सी बात पर तुम्हें रुष्ट नहीं होना चाहिए। आप दोनों का विवादपूर्ण संभाषण सुनकर मुझे आश्चर्य कम और प्रसन्नता अधिक हुई। प्रसन्नता? हम दोनों विवाद करें तो तुम्हें प्रसन्नता होती है? दूसरों को अप्रसन्न देखकर प्रसन्न होने वाला कभी सात्विक वृत्ति का नहीं हो सकता। ये तुम्हारी वृत्ति तामसिक कब से हो गई नारद? नारायण नारायण, ऐसा कदापि नहीं है माता। आप शांत हो जाएं तो मैं कुछ निवेदन करूं कि प्रसन्नता से मेरा अभिप्राय प्रसन्नता जनक ही है, रोग जनक नहीं। सदा गंभीर रहने के कारण ब्रह्मलोक में कुछ स्पंदन तो हुआ, एक गूंज तो उठी, फिर पत्नी के रूठने के पश्चात पति द्वारा उसे मनाने का जो एक प्रयत्न होता है वो प्रसन्नता में वृद्धि करता है माता। नारद सावधान, तुम मर्यादा की सीमा का उल्लंघन कर रहे हो। फिर तुम तो ब्रह्मचारी हो, पति पत्नी के बीच विवाद और प्रसन्नता के भाव से तुम्हें क्या प्रयोजन? माता, मैं ब्रह्मचारी अवश्य हूँ, किंतु सदा गृहस्थों के बीच गमन करता रहता हूँ, इसलिए। ठीक है नारद, अब तुम अपने यहाँ आने का कारण और प्रयोजन बताओ। अब रुष्ट होने की बारी मेरी है माता। भला ये क्या बात हुई, मैं जहाँ जाता हूँ मुझसे यही प्रश्न पूछा जाता है कि मेरे आने का प्रयोजन क्या है। शिवलोक हो अथवा विष्णुलोक, यही प्रश्न मुझसे पूछा जाता है। ब्रह्मलोक तो मेरे पिता का निवास स्थान है, क्या मैं अपने माता पिता के दर्शन के लिए नहीं आ सकता? शांत हो जाओ नारद, शांत हो जाओ। अशांत होने का कोई कारण भी तो नहीं है। चलो मान लेते हैं कि तुम अपने पिता के निवास पर आए हो,
किंतु कोई भी पुत्र अपने पिता के सम्मुख अकारण नहीं आता। वो अपने मन में कोई शंका, जिज्ञासा अथवा प्रश्न अवश्य लेकर आता है। तुम्हारे मन में भी कोई जिज्ञासा अवश्य होगी नारद? हाँ परमपिता, है एक जिज्ञासा है मेरे मन में। कहो नारद, अपनी जिज्ञासा कहो। परमपिता, देवी कौशिकी का सौंदर्य असुरों को इतना सम्मोहित कर चुका है कि मैं भावी आशंका से भयभीत हूँ कि भविष्य अवश्य ही दुर्घटनाओं से पूर्ण होगा। परमपिता, क्या मेरी आशंका निराधार है? प्रश्न पूछने व जिज्ञासा प्रकट करने की तुम्हारी शैली अद्भुत है नारद। जगत के प्राणी तुम्हारी इस प्रवीणता से प्रश्न पूछने की कला में प्रवीण हो सकते हैं। अब शेष रहती है तुम्हारी आशंका, तो उसके विषय में तो चर्चा करना ही व्यर्थ। किंतु सत्य ये भी है कि कौशिकी की उत्पत्ति असुरों के सर्वनाश के लिए ही हुई है। असुरों के सर्वनाश के लिए? नारायण नारायण। परमपिता, अब मुझे कुछ नहीं पूछना, अब आप मुझे आज्ञा दें। पति परमेश्वराय नमो नमः। स्वामी, आपने कौशिकी के पास जाने का वचन दिया था, अब चलें और वो वचन निभाएं। देवी, वहां चलने से पूर्व ये भली भांति विचार कर लो कि क्या कौशिकी हमें देखकर प्रसन्न होगी। माता पिता को देखकर कौन पुत्री प्रसन्न नहीं होगी स्वामी? यदि ऐसा होता तो क्या कौशिकी के मन में हमसे मिलने की इच्छा जागृत न होती? क्या वो अपने भव्य महल से निकलकर कैलाश पर न चली आती हमसे मिलने के लिए? देवी, कौशिकी से मिलने की तुम्हारी इच्छा शीघ्र ही पूर्ण होगी। वह कैसे स्वामी? कौशिकी की सहायता करने के लिए तुम्हें स्वयं उसके पास जाना होगा। अर्थात इस समय आप वहाँ जाना नहीं चाहते? अभी वो समय नहीं आया है देवी, धैर्य धरो और प्रतीक्षा करो।